सोने और चांदी की बरसात निराली हो, घर का कोई कोना दौलत से ना खाली हो, सेहत भी रहे अच्छी, चेहरे पर लाली हो, सदा मुस्कुराते रहें आप, घर में खुशहाली ही खुशहाली हो। आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी और सुबह की एक्सप्रेस के साथ आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त ललिता, लेकर आप सभी का फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी। ऐसे तो बात करें तो सुबह बनारस हमारे शहर की पहचान है, लेकिन इन दिनों बनारस की शाम अपनी अलग ही छटा बिखेरती नजर आ रही है। पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ है। शहर के हर भवन में सजे हुए झालर मानो आपस में ही आकर्षण के लिए होड़ कर रहे हैं, और जब आप सड़क पर चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा शहर ही जैसे सड़क पर आ गया हो। बाजार सजे हुए हैं और खरीदारों से भरे हुए हैं, चाहे वो फूलों का बाजार, बर्तनों के बाजार, मूर्ति, मिट्टी के दीपक और मिट्टी के खिलौने का बाजार, सोने चांदी का बाजार, कपड़ों का बाजार और वाहनों के बाजार। और ऐसा हो भी क्यों ना भाई, शहर में दीपावली की धूम जो है। वैसे तो दीपावली पंच दिवसीय त्योहार है जिसमें हर दिन की अपनी अलग अलग विशेषता है, और आज है दीपोत्सव का पहला दिन यानी कि धनतेरस। धनतेरस के दिन की भी अपनी अलग विशेषता और महत्व है। धनतेरस दो शब्दों का योग है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना। इससे जुड़ी और भी बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग बनारस। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि दीपोत्सव का पंच दिवसीय त्योहार शुरू हो चुका है और आज है धनतेरस। इसे धन त्रयोदशी या धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी का जन्म धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। धनतेरस से जुड़ी वैसी तो कई कहानियां प्रचलित हैं। उन्हीं कथाओं में से एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और राक्षसों ने मेरु पर्वत का मंथन किया तो भगवान धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेकर बाहर आए। उस दिन को धनतेरस माना गया। इस दिन धन के देवता माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में धनतेरस पर कुछ नया खरीदने की परंपरा रही है। इसका विशेष कारण ये है कि धनतेरस पर कुछ खास ग्रहों के योग बनते हैं जो बहुत शुभ और फलदायक होते हैं, और इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। अधिकतर लोगों के मन में ये दुविधा होती है कि आखिर खरीदे क्या, तो मान्यता के अनुसार इस दिन लोग सोने चांदी के आभूषण या सिक्के, पीतल या स्टील के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दो पहिया चार पहिया वाहन मुख्यतः खरीदने का प्रचलन हमेशा से रहा है। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक भी हैं और चिकित्सा के देवता भी हैं। इसीलिए चिकित्सकों के लिए भी धनतेरस का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जो प्राणी धनतेरस की संध्या यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जला के रखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मान्यता के अनुसार घर के आंगन में यम देवता के नाम पर दीप जलाकर रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी धनतेरस पर्व से जुड़ी विशेषता और महत्व। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी, और अब बातें हमारे शहर बनारस की। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में आयोजित जीआई महोत्सव यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कई उपलब्धियों के नाम रहा। शुक्रवार समापन के दिन जौनपुरी इमरती और बनारस की मशहूर ठंडई समेत 8 जीआई उत्पादन को पंजीकरण की प्रक्रिया में लाकर वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कदम बढ़ाया गया। इसी कड़ी में बढ़ते हैं आगे। कण कण में शंकर, ये नगरी अपने आप में अनोखी है। कदम कदम पर गलियों में विराजते शिव और उनके गढ़ जहाँ भक्तों को आशीष देते हैं, वही शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा अन्न धन का भंडार भरती है।
बाबा विश्वनाथ के आंगन में विराजमान माँ अन्नपूर्णा अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करती हैं और यही कारण है कि धनतेरस से लेकर अन्नकूट तक श्रद्धालुओं का रेला माता के दरबार में उमड़ता है। आज से लेकर आने वाले 4 दिनों तक भक्तगण माँ अन्नपूर्णा के अद्भुत स्वर्णमय प्रतिमा के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर के महंत ने बताया कि माँ अन्नपूर्णा का ये मंदिर देश का इकलौता मंदिर है जो श्री यंत्र के आकार में निर्मित है, तो आप भी जाइए और दर्शन कीजिए माँ के इस भव्य स्वरूप का। चलिए बढ़ते हैं इस खबर के साथ आगे। बनारस के गंगा घाट एक बार फिर से सजने संवरने लगे हैं। लगातार 2 साल कोरोना की मार के बाद इस बार देव दीपावली को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। इस बार लोकल पर्यटकों के साथ ही लगभग 2 लाख विदेशी पर्यटकों के बनारस आने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो तैयार रहिए बनारस वासियों इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए। बीते शाम शुक्रवार को बीएचयू में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया गया। प्रेरक स्लोगन, तख्तियों और विश्व मुक्त काशी के बैनर के साथ लोग जन जागरण के लिए निकले। इस मौके पर डॉक्टर ने कहा, मौजूदा समय में मानव की औसत आयु 60 से 65 वर्ष ही रह गई है, उसे बढ़ाकर 100 के ऊपर ले जाना हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा जीवन अमूल्य है। इन दिनों लोकल फॉर वोकल के महत्व को समझाने के लिए कई संस्थाएं जोरों पर काम कर रही हैं, जिनसे मिट्टी की बने दीयों को आकर्षक बनाकर उनका महत्व समझाया गया। इसी कड़ी में आपको आगे बता दें, धन त्रयोदशी पर बाबा की नगरी में सौभाग्य लक्ष्मी कृपा बरसाएंगी और स्वर्ण अन्नपूर्णेश्वरी अन्न धन का खजाना लुटाएंगी, तो आरोग्य अमृत भी बरसेगा। वार्षिक परंपरा के अनुसार आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी का सुड़िया स्थित वैद्यराज आवास में दर्शन पूजन होगा। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से 2 दिन लगने से तिथियों की हेरफेर के बाद भी सुड़िया स्थित वैद्यराज आवास में विराजित भगवान धन्वंतरी के मंदिर के पट आज यानी 22 अक्टूबर को ही खुल जाएंगे, तो आप सब भी जाके दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते ही देखते वक्त हो गया प्रोग्राम खत्म करने का। दीपावली का समय है, रास्तों पर भारी भीड़ है, भीड़ की वजह से ट्रैफिक की समस्या भी बनी हुई है, जिससे ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण अपने चरम पर है। वायु प्रदूषण को तो हम मास्क लगाकर रोक सकते हैं जैसे तैसे, लेकिन ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए हम अपने आसपास के वाहनों से बेवजह हॉर्न न बजाने का रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। ऐसे में डेंगू और वायरल फीवर की स्थिति भी बनी हुई है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम सुरक्षित तो जग सुरक्षित। और अब चलते चलते आपसे बस यही कहना चाहेंगे, जमाने भर के याद में मुझे ना भुला देना, जब कभी याद आए तो जरा मुस्कुरा लेना, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे दोस्तों, वरना दिवाली में एक दिया मेरे नाम का भी चला लेना। और अब इसी के साथ ललिता को दीजिए अनुमति, अभी के लिए टाटा बाय बाय, वापस मिलूंगी आपसे सुबह 8:30 पर प्रोग्राम मधुरिमा के साथ।